कैसे हैं आप लोग? हम सब अच्छे से हैं, जय माता दी आप लोगों को। अभी आज जम्मू में तीसरा दिन है हम लोगों का और आज मैं अपने होटल के छत पे खड़ा हूँ और ये पीछे आप जो देख रहे हैं ये त्रिकुट पर्वत, कल हम लोगों ने चढ़ाई किया था। रात में आ गए थे हम लोग लगभग शाम में 5 बजे, खाना वगैरह खा के जैसे तैसे और हम लोग सो गए। था पैर तो बिल्कुल जाम हो गया था, पैर उठता नहीं है यार। प्लानिंग है कि अब इधर से रिटर्निंग का हम लोग टिकट बनाएंगे, अभी तक टिकट बना हुआ नहीं है तो देखते हैं कहाँ से मिल पाता है। अगर यहाँ से वाराणसी होकर रांची जा सके या यहाँ से रांची डायरेक्ट मिल जाए तत्काल में, या फिर यहाँ से हम लोग हावड़ा होकर जा सके तत्काल में। अवेलेबल तो दिखा रहा है लेकिन करते करते बनता है, अभी एजेंट देखते हैं नीचे जाके अगर कैसे जाते हैं, वो दिखेगा आगे ब्लॉग में आप लोगों को। तो बने रहना ब्लॉग में और आप लोगों को बहुत अच्छा लग रहा होगा ये वैष्णो देवी का ब्लॉग देख के। अगर लग रहा है तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा, जय माता दी कमेंट में जरूर लिखिएगा। हम लोग रेडी हो चुके हैं, 12 बजे तक चेकआउट था, अभी 1 बज रहा है। अब हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से, कहाँ के लिए सब पता नहीं, बस अभी हम लोग चलेंगे जम्मू स्टेशन, चूँकि टिकट कहीं का कंफर्म नहीं हो पाया है तो चलते हैं, देखते हैं जितनी जल्दी ट्रेन मिल जाएगी। तो हम लोग अभी निकलते हैं ट्रेन के, क्योंकि होटल का भी टाइम हो गया। का स्थिति थोड़ा सा खराब है, पैर मेरा कोई स्थिति खराब नहीं है, हम बिल्कुल फिट हैं। ना भाई लंगड़ा रहा था, चल ऐसा नहीं, ये लोग जल्दी कैमरा ऊपर कितना उठाना है, अरे सैल्यूट मार देंगे चेकआउट करके निकलते हैं, उसके बाद फिर बाहर मार्केट में मिलते हैं, प्रसाद वगैरह भी लेना है भाई। तो बने रहेगा इस ब्लॉग में, आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, ट्रेवलिंग का ब्लॉग होगा। हमारे सामने यहाँ पे जो आपको भूटान लिखा हुआ दिख रहा है आगे, तो ये कटरा है, आगे वो त्रिकुटा पर्वत है, माता वैष्णो देवी का धाम, और ये होटल अंबाली का, इसी में हम लोगों ने स्टे किया 2 दिन। अच्छा होटल है, लोगों का बिहेवियर अच्छा है, सब कुछ अच्छा है। तो आप भी आए तो इस होटल में स्टे कर सकते हैं, 2000 पर नाइट, मतलब 1 दिनों का 24 घंटे का। तो अभी हम लोग बिल उल बनवा रहे हैं, चेकआउट करेंगे। प्रेम स्वीट कटरा के ठीक सामने में है और आप देख रहे हैं कि अभी हम लोग कुछ मीठा हमने यहाँ पे टेस्ट किया है। तो पतीसा ले लिया क्या? तो पतीसा था और जो दो आपने टेस्ट कराया वो क्या था भैया? आपका सबसे जो प्रसिद्ध है आपके लिए वो क्या है? पतीसा है हमारा फेमस, अच्छा, और 1925 से आपका स्थापित किया हुआ है। तो अभी पतीसा मीठा लेने के बाद जो वहाँ का सबसे प्रसिद्ध था उनका, अभी हम लोग यहाँ पे खा रहे हैं ठीक कटरा में, पान खा रहे हैं, जो कटरा जहाँ से वैष्णो देवी के लिए हम लोग चढ़ाई स्टार्ट करते हैं उसके ठीक सामने में ही। कितने की पान है भाई? 20 रुपए की पान है। हाँ 20 रुपए क्वालिटी, अभी टेस्ट वो लोग किया वो बताएगा कैसा लग रहा भाई। एक नंबर का पान आपके खाया, थैंक यू, टेस्ट करिए बड़ा अच्छा। पान को हमने मुंह में रखा और 5 मिनट के अंदर पूरा गायब, एक बार भी थूकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, जैसे हम लोग झारखंड बिहार में जो पान मिलता है ना थूकना पड़ता है, एक बार भी थूकने की आवश्यकता नहीं पड़ी, मीठा पान था, मजा आया खा के भाई। दुकान के ओपनिंग में किस प्रकार से बैंड बाजा बज रहा है सर देखिए। अभी घूमते घूमते ये तरबूज दिख गया है, तरबूज हम लोग अभी खाएंगे तीनों लोग, 20-20 रुपए का एक प्लेट है, बर्फ में डाला हुआ है, थोड़ा ठंडा है तो मजा आएगा नमक वमक डाल के खाने में। दोस्तों अभी जिस मिठाई दुकान से हम लोग निकले थे वहाँ से एक गिफ्ट पैक करा लिए थे मिठाई, ये कैसे पड़ा था गुलशन? 440 रुपए के जी था, प्योर देसी घी। 440 रुपए के जी नहीं भाई, 220 रुपए का एक पाव दिया ना, कैसे दिया? हाफ के जी थी ये, हाफ के जी है, हाफ के जी, अच्छा तो 220 रुपए का, लेकिन ये प्योर घी का यार, इतने सस्ते में मतलब प्योर घी का दे रहा है। और सबसे बड़ी बात है ना, 1925 का मिठाई दुकान था, बिल्कुल ब्रांडेड मिठाई दुकान दिख रहा था, और ना क्या है कि ये लोग पूरा खानदानी मिठाई बेचने वाले लोग हैं तो कभी गलत नहीं करेंगे ऐसा इन लोगों का कहना है। और देखिए मिठाइयाँ ठीक रहने की अवधि सारा कुछ लिखा हुआ है, तो चलो मिठाई को खोलते हैं देखते हैं कैसा है। और वहाँ पर खाए थे टेस्ट बहुत अच्छा लगा था। अभी होटल आ गए हैं 3 भर के लिए, चूँकि आज हमारी ट्रेन बन चुकी है अब दिल्ली के लिए, पहले से ट्रेन की टिकट थी नहीं तो हम लोगों ने ट्रेन का टिकट बना लिया दिल्ली के लिए, जो कि 10:30 बजे रात में है। तो हम लोग क्या करते हैं, कटरा में तो सब तरफ घूम ही लिए हैं, प्रसाद वगैरह थोड़ी देर में लेंगे, धूप बहुत ज़्यादा है बाहर में, तो हम लोगों ने एक कमरा ले लिया है, एक होटल ले लिया है, एसी कमरा हमें पड़ा है 1000 रुपये का प्रति, मतलब एक दिन का, जैसे अगर हम लोग कल तक रुकते तो फिर यही 2000 रुपये लेता, लेकिन चूँकि आज सुबह से शाम तक का रुक रहे हैं 8-9 बजे तक का, तो 1000 रुपये, और यहीं पर अब हम लोग मीठा खाएंगे और मीठा खाने का आनंद लेंगे। पटीसा रांची में भी पटीसा खाएं, लेकिन इसके जैसा आनंद नहीं आया,
प्योर देसी घी का एकदम मजा आ गया। और अभी बज चुके हैं शाम के 7, लगभग 3-4 मिनट बाकी है 7 बजने में, और हम लोग होटल में थोड़ा आराम करने के बाद फिर निकल गए हैं मार्केट की ओर, थोड़ा खरीदारी करेंगे। मीठा जो हम लिए थे बहुत अच्छा लगा था, और कुछ मीठा लेने जा रहे हैं, कुछ फोटो वगैरह खिंचवाएंगे और घूमते हैं मार्केट, देखते हैं क्या है। तो हमारे बिल आ गई है, हमने पैक करा ली। ये है हमारी पटीसा जो हमने इस 1925 के इस दुकान से लिया है। अभी प्रसाद लेने के लिए आ गए हैं, प्रसाद लेकर फिर हम लोग चलेंगे ट्रेन के लिए स्टेशन। तो चलो देखते हैं, प्रसाद ले लेते हैं फिर आपसे मिलते हैं। ये अखरोट कैसे बोले भैया? 300। और ये 800 बादाम 800। कटपुरा में माता का प्रसाद खुद से वजन कर करके लेते हुए, और बिल्कुल आप दिखा लीजिए। तो भाइयों ये लहसुन है, और ये ना बेसिकली कमर दर्द पैर दर्द मतलब जॉइंट्स पेन वगैरह के लिए, और जैसा भाई साहब ने बता रहे हैं कि जब मेडिकल स्टोर्स वगैरह बंद हो जाते हैं बर्फ़ वगैरह पड़ने पे, तो इनका यूज करते हैं लोग दर्द निवारक के रूप में। ये कैसे है भैया? 180 रुपये का 100 ग्राम। ये 100 ग्राम का पैकेट है क्या? 180 रुपये का। कश्मीरी मामरा बोलते हैं नाम भी, कश्मीरी मामरा। ये आता 1000 रुपये किलो। ये मूंगफली की तरह टूटता है, 850 ग्राम गिरी और 150 ग्राम छिलका। मूंगफली की तरह टच करना है इसको, ये देखो इसका मूंगफली का, इसका छिलका उसका बिल्कुल पतला। तो ये ऑयली बहुत होता है, इसमें तेल बहुत ज्यादा होता है इस बादाम का। अच्छा, खा के देखो खाने में। और इसमें और उसमें क्या फर्क है? कौन सा सर? इसमें और वो जो है ये इसका क्या, आधा किलो गिरी निकलेगा आधा किलो छिलका निकलेगा। अच्छा, इसका क्या साइज बड़ा है? साइज देखो इसका। अच्छा, खाने में मिठास इसकी ज्यादा। ठीक है, यहाँ मुनक्का है, सौंफ है, अजवाइन है नमक वाला, और ये क्या है भैया? ये गोल गोल अजवाइन का बना हुआ है। ये नहीं नहीं, ये हिंगोली है। अच्छा, ये हिंगोली है। अरे बहुत मुरादी। ये अपना 3 ठेला प्रसाद हो गया भाई, और अपना होटल के ठीक सामने में ये प्रसाद हमने परचेज किया है। चलो अब चलते हैं हम लोग, कुछ भोजन करेंगे, कुछ फोटोग्राफी कराएंगे, और उसके बाद फिर निकलेंगे ट्रेन पकड़ने के लिए स्टेशन। अभी तक वेटिंग लिस्ट में है, वेटिंग लिस्ट कन्फर्म हुआ नहीं है, जैसे ही वेटिंग लिस्ट कन्फर्म होगा खुशी हमारे चेहरे पे ऐसे ही छा जाएगी। भाई प्रसाद लेने के बाद फिर एकदम स्पेशल पान माता भैंस कटरे का, और भाई ने कहा है कि पान खाओगे तो हमेशा याद रखोगे। तो अभी हम लोग चलते हैं, पान पैक करा लेंगे, अभी खाएंगे नहीं, भोजन के बाद पैक। आ गए हैं अभी प्रसाद लेने के बाद, सीधा पान लिया और पान लेने के बाद सीधा भोजन करने बैठ गए उसके बगल में ही। ये हमारा इसके बगल में ही आप देखेंगे हमारा होटल है, और इधर गुलशन है। बिल्कुल सादा भोजन हम लोग कर रहे हैं, ये दाल भात और आलू फ्राई। 3-4 दिनों से हम लोग सिर्फ दाल भात भुजिया रायता कोई भी एक सब्जी ये ऐसे ही खा रहे हैं। तो चलो अभी खा के हम लोग सीधे होटल चलेंगे, टाइम हो चुका है। हमने पान लिया था और सत्य वैष्णो ढाबा, यहीं से हमने लंच कर डिनर कर लिया, और अभी चलते हैं हम लोग अब सारे थैले वगैरह लेकर। होटल संजय पैलेस, और आज जो हम लोगों ने दिन भर के लिए लिया हुए कमरा वो इसी में है। तो अब हम लोग यहाँ से चेकआउट करके निकल रहे हैं, यही अपना होटल है। आपको अगर मैं साइड व्यू दिखाऊँ तो कुछ इस प्रकार का है, ये अपना होटल है, और अभी सब लोग अंदर बैठे हैं, गाड़ी आने का वेट कर रहे हैं। होटल वाले का ही अपना गाड़ी है जो हमें स्टेशन तक छोड़ेगा। तो अभी सोनू गुलशन सब वेट कर रहा है, अभी मैं भी वेट कर रहा हूँ, बस गाड़ी आएगी और हम लोग फिर निकलेंगे। गाड़ी आ गई है, और आपको मैंने दिखाया था इसी होटल में हम लोगों ने आज सुबह से शाम तक के लिए कमरा लिया था, क्योंकि ट्रेन हमारी लेट थी। तो भैया आ गए हैं गाड़ी लेके, अभी हम लोग चलते हैं स्टेशन पर। 10:30 बजे अपनी ट्रेन है, थोड़ी देर स्टेशन पर बैठेंगे। सोनू और गुलशन बैठा हुआ है, ओमनी हमें छोड़कर जा रही है स्टेशन पर। हम लोग आ गए हैं, और चलो अब चलते हैं स्टेशन में। भीड़ तो बहुत है रे बाबा। माता वैष्णो देवी कटरा स्टेशन हम लोग पहुंच गए हैं, और यहाँ पे कुछ फोटोग्राफी वगैरह करा के फिर स्टेशन के अंदर चलेंगे तुरंत में। अरे तुमने तो ऐसे लगा है भाई साहब, फोटो खिंचवा रहे। अपनी ट्रेन का ना टिकट जो वेटिंग लिस्ट में था वो कंफर्म नहीं हो पाया, और कंफर्म नहीं होने के बाद भी हम लोग बढ़ चले हैं अब दिल्ली की ओर, क्योंकि अब यहाँ नहीं रुकेंगे, और देखते हैं अब किस प्रकार से सेटिंग हो सकता है।